भाई दिन बारिश में ही आप बाहर निकल के बैठे हुए हैं। बाजी मौसम अच्छा था ना, इसीलिए बाहर निकल आया, क्योंकि चल तो सकता नहीं, हाथ पैर काम नहीं करते, इसलिए बाहर चला आया। बच्चे की मेहनत की और उसने बाहर निकाल दिया। सही सही, बच्चे की मेहनत किया, दिल कर रहा था बाहर आने का। चलिए भाई जन के घर चलते हैं। अजय, हाँ ये आपका बेटा है? हाँ मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। अच्छा, ये फिर क्या लगता है आपका? कजन का बेटा है। ऐसे रिश्तेदार मौजूद हो तो इंसान की जिंदगी ही जन्नत बन जाती है। देखिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आजकल तो कोई सगी औलाद नहीं करती इतना जितना ये भाई कर रहे हैं इन्हें। अच्छा भाई जान, ये मसला आपको कब से हुआ है? अच्छा 9 साल हो गए। 8-9 साल? आ जाए। अच्छा माशाल्लाह भाई जान, आप शादी शुदा हैं? जी बाजी, मेरे 4 बच्चे हैं और पूरे इलाके को पता है, मेरी बीवी भी है जी। आपके इलाके से जिससे भी पूछा ना कि वो जो भाईजान, और दो बाजी हैं वो भी माजूर हैं, दो हम भाई हैं वो भी माजूर हैं। एक ही घर के वालिद वालदा दोनों फौत हो चुके हैं। ये मेरा घर है बाजी, ये रास्ता देखें कितना दुश्वार है। मसलन बहुत मसला बनता है, एक तो मैं माजूर हूँ ना, ना चार दीवारी का कोई सपोर्ट है, ना कोई चीज का, ना कोई राशन का। जो कभी कभी तो हम भूखे भी सो जाते हैं, वो खुदा गवाह है। कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। मसलन मेरी बीवी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने बच्चों से भी आपको मिलवाता हूँ। कोई कमाने वाला नहीं है, कोई बड़ा बेटा नहीं है जो मसलन मजदूरी करे या मुझे खिलाए, मेरे बच्चों को खिलाए, नहीं। एक छोटा बेटा है 7 साल का है, वो कुरान पाक पढ़ रहा है। ये मेरी बीवी है, ये आ रही है इधर। आओ बाजी, देखो के बस कद ना लाई बंद कर। तो अब मुझे ये भाईजान का घर है, ये देखिए ये सेहन है, जरा सेहन दिखाइए। और वो मेरे ख्याल में चूल्हा है इनका, और ये इनका कमरा है, और इन लोगों में ना दीवारें छोटी छोटी होती हैं। जरा मुझे दिखाइए हम साहब और सब, मतलब के बिल्कुल छोटी छोटी सी दीवारें होती है। अभी बहुत पीछे के इलाके है ना, तो ये इनके एरिया में आता है। और ये आपके साथ भाईजान फिर कौन कौन रहते हैं? आपके वालिद, अम्मी, अबू? अम्मी अबू फौत हो चुके हैं, ये हम फैमिली के साथ में जो यही रहते हैं। अच्छा, ये आपकी एक बेगम है और माता कौन है? बाजी मैंने पहले भी आई साहब को बताया कि कोई दोस्त तर्स कर देते हैं तो वक्त पास हो जाता है, ना करें तो फिर दो दो दिन भी भूखा रहना पड़ता है, क्या करें। बच्चा भी इसलिए तो खाली लीटर बाजी दिया हुआ है बच्चे को। बाजी दूध नहीं मिल रहा था ना, यहाँ पे गांव है ना, तो कोई बाजी पैसों के बगैर दूध नहीं देते, पैसे हो तो दूध देते हैं ना। ये तो है, पैसे हो तो दूध मिलता है ना, पैसे ना हो तो दूध कहाँ से मिले। अब बाजी फिर मेसु को ऐसे खाली ही फीटर दे दिए? हाँ जी। तो कितने अरसे से भाई जान तो कमा नहीं रहे हैं, फिर आप क्या, आप कोई काम करती हैं? नहीं बाजी, आप ही नहीं कोई काम करते? बंदे माजूर है, बच्चे हैं छोटे छोटे, नहीं काम की वहाँ पे नहीं काम किया जाता। सारे बच्चे हैं छोटे छोटे से, घर का बंदा ही माजूर है तो फिर वो कैसे काम करे। बात तो ठीक कह रहे हैं बुजी। कितना अरसा हो गया भाई जनाब माजूर हैं? बाजी 9 साल हो चुके हैं। पहले ठीक थे? जी पहले ठीक था। क्या हुआ, क्या हुआ था बाजी? कोई पता नहीं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं पोलियो है, कोई कहते हैं फालिज है, कोई कहते हैं कुछ, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। पहले मैं तंदुरुस्त था, शादी के बाद फिर ऐसा ऐसा मजदूर होने लगा। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को भी कहा कि आप जैसा मर्जी चाहे कर लें, उन्होंने कहा कि जो मुझे मिल गया सो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। 4 बच्चे हैं मेरे, ये एक बेटा वो खड़ा है सामने, एक बेटी है, एक ये बेटी है, एक ये बेटा है, और मेरी बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाजी आप मुझे ये बताएं कि जब आपके शोहर ने ये बात आपको कही कि आप अपना फैसला कर लें, कि मतलब ये हफ्ता सा, तो आपके शोहर ने जब ये बात कही कि आप अपना फैसला कर लें, यानी कि मैं तो अब माजूर हो चुका हूँ, तो फिर आपने इन्हीं के साथ क्यों रहना पसंद किया, जबकि आपके बच्चा खाली फिटर लेके फिर रहे और चीख रहा है चिल्ला रहा है? बाजी ना कोई माँ बाप है, ना कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के कह रही है कि मैं किधर उधर। उस वक्त आपके कितने बच्चे थे? मेरे ख्याल में 9 साल पहले तो ये बच्चे नहीं होंगे। नहीं थे? नहीं थे बाजी, ये तो छोटे हैं ना तीनों। नहीं थे बच्चे? हाँ जी। फिर तो तब भाईजान आपके, मतलब के तब तो बच्चे नहीं थे।
नहीं तो मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्या है जिससे आपका, जाहिरी बात है, तीन तीन टाइम खाना खाना, रोटी बनाना, कुछ ऐसा करना, ये सब भाजी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये रब जानता है, हम बता नहीं सकते कि इतना मुश्किल है कि हम जी चाहता है कि रोएं, मगर क्या करें कि रब की जैसे कुदरत। अच्छा भाई जी, आपने ये वाली बात कितना अर्सा पहले बाजी से कही थी कि आप अपना फैसला कर लें? बाजी 2 साल के बाद मैंने कहा कि जब मैं माजूर होने लगा ना, तो मैंने इनको कहा कि आप चाहे तो फैसला ले सकती हैं, मैं इस बात पे खुश हूँ, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। आपने ये नहीं सोचा कि मेरा तो कोई भी नहीं रहेगा इस दुनिया में अगर ये चली गई तो? बस मैं, आप तो पार हो चुका हूँ, इनको तो पार नहीं करना चाहता था। हाँ जी। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी नहीं है, जो अल्लाह ने कुदरत की है मैं उस पर खुश हूँ, मैं आपके साथ खुश हूँ। उस वक्त बच्चे भी नहीं थे, फिर भी बाजी ने इनके साथ रहना पसंद किया। आप तो बच्चे हैं, आप तो घर में औखी बात भी हो जाती है, फिर भी नहीं जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला ऐसी ईमान वाली बेगम हर किसी को दे। अब एक ही जो कमरा है, ये आवाज नहीं किस चीज की आ रही है अंदर? अच्छा ये पंखा ऐसे चल रहा है, सही से ये देखेंगे। हाँ जी, ये आपका कमरा है और बिल्कुल ही खाली है, इसमें 3-4 चारपाइयां हैं और एक दो बेचामे के जहेज की जो संदूकें होंगी जो बाजी ये जहेज ये पड़ी हुई है और बस इनका ये देखिए अलमारियां हैं तो खाली हैं, सफीले हैं तो खाली। ये काला क्यों हुआ पड़ा है बाजी? बाजी आग जला के सर्दियों में इसमें आग जलाते रहते हैं, इसी कमरे में आग जलाते हैं, इसी कमरे में खाना बनाते हैं, इसी कमरे में सोते हैं। कोई भी नहीं देखते हैं। तो अबू जी ये बच्चों के तो कपड़े ही नहीं है, क्योंकि पहले ना मेरे पास यूके से यूएसए से आए हुए काफ़ी सारे बंडस थे, तो मैंने पिछले 2 महीनों में सारे ख़त्म कर लिए हैं, अब वो मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। तो खैर अभी इनको सपोर्ट करते हैं फिलहाल के लिए और इनके लिए आगे का कुछ बेहतर सोचते हैं, ताकि ये है कि इनको कुछ ऐसा रोज़गार बन सके जिससे ये आराम से घर बैठ के, इनकी एक बार सपोर्ट करके जाए ना उससे नहीं कुछ, इनको कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनकी लाइफ आगे से सेट हो जाए। तो भाई जी ना, ऐसा क्या हो सकता है कि आपके घर में 2 वक्त का खाना पकता रहे? ऐसा क्या है जो यहाँ पे काम किया जाए? ऐसा हो जाए कि हमारा 2 वक्त का खाना सूखा हो जाए, हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। ऐसा क्या होगा कि ऐसा क्या काम होगा जो आप कर सकते हैं? ऐसा काम बाजी, साफ सफाई की दुकान हो जाए। दुकान आप चला लेंगे? जी, दुकान मेरी बीवी चलाएगी, साथ जरे में साथ बैठूंगा। सही, ऐसा हो जाए तो बेहतर है। अगर कोई मसलन कोई वजीफा महाना बना दे तो भी बेहतर होगा। सही सही। तो दुकान का कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पे कोई छोटी सी दुकान हो या कोई कोई ऐसा काम हो कि मेरी बेगम भी करती है, मैं भी, क्योंकि जा तो अब सकता नहीं हूँ कहीं, तो बच्चे छोटे छोटे हैं, बेगम भी कहीं छोड़ के नहीं जा सकती है। इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे आपके लिए। ये 1,000, ये 2,000, ये 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और ये 10,000। ठीक है बाजी? नहीं बाजी, आप पहले ही अल्लाह के प्यारे हैं जिन्होंने मदद की, हमारे बच्चों पे तरस खाया जिन्होंने, आपने हालात देखकर अल्लाह की तरफ से आपने जो सपोर्ट। और आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करते हैं डोनेशन ग्रुप को, हमारी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, वो सब मिलके हमारा भी साथ देते हैं, दूसरे लोगों का भी साथ देते हैं, अपने इर्द गिर्द के भी लोगों को देखते हैं, तो उन्होंने एक प्यारा सा ग्रुप बनाया है जिसका नाम है डोनेशन ग्रुप, उसे हम डेडिकेट। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है, और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे, अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।